एक्सप्रेशन बदल। तो दोस्तों मैं हार्ट लेक गोवा में आया हुआ अभी। ऐसे बहुत सारे बीच घूमने के बाद में ये लेक मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। इससे पहले 4-5 जगह जा चुका हूँ, बोगमालो हो गया, वेलसाओ बीच हो गया, इधर तो साउथ गोवा साइड में है। यूजुअली लोग आते हैं नॉर्थ साइड जाते हैं, लेकिन ये जो है साउथ साइड में है, बागा बीच वगैरह उधर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साल्ट लेक, सॉल्ट लेक इसको बोलते हैं, हार्ट लेक बोलते हैं सॉरी। काफी पानी यहाँ पे काफी क्लीन है। तो अगर मॉर्निंग व्यू आपको देखना है तो सबसे ब्यूटीफुल जगह है ये, अभी तक मैं जहाँ पे गया हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो गोवा की अपनी ब्यूटी है, अपनी खासियत है। आपको थोड़ा मैं दिखाता हूँ इधर उधर का नज़ारे यहाँ पे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या है ये। अच्छा, ये हमारे प्रिय भाई साहब हैं। तो ये आपके पूरा सॉल्ट लेक, इसके ऊपर ये है, ऐसे जाने नहीं देते हैं, ये है ना काफी हाइट है इसका, काइंड ऑफ माउंटेन है, वहां से सीधे ओशन का पूरा व्यू अच्छा दिखता है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने खरीद रखा है, परमिशन नहीं है उधर, शायद मॉर्निंग में दे देते हैं। बाकी आप ये देख सकते, काफी ही सुंदर, काफी ही मजेदार है ये हार्ट लेक। तो आप ये देख सकते हैं इधर पूरा का पूरा एरिया है, ये बैठने के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे पाम ट्री पड़े हुए हैं इधर। तो आप इसको बढ़िया है, अगर मान लो आके बैठना है सुबह, शारीरिक चेतना आपको जगानी हो तो आप आ सकते हैं इधर, बहुत ज्यादा टेंशन हो तो भी इधर आ सकते, बढ़िया है। ऐसे ओवरऑल तो मैंने गोवा में मेरा एक्सपीरियंस काफी अभी तक सही रहा है। जब भी टेंशन हो बीच के किनारे चले जाओ, आराम से बैठे रहो। अलग अलग भावनाओं से लोग आते हैं, आपकी जैसे भावनाएं हैं उसी अकॉर्डिंग आ सकते, बट नेचर तो नेचर ही है। सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्थ इंडिया में अभी नॉर्थ साइड में है, जैसे दिल्ली के आसपास है या अभी बिहार यूपी साइड, काफी ठंडी होती है। मैं भी उधर से हूँ तो मुझे पता है, इसका आइडिया है कितनी ठंडी होगी। बट अभी आप यहाँ पे अगर गोवा की बात करो तो बिल्कुल ही उधर वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ गर्मी है, यहाँ वाले लोगों के लिए यहाँ की ठंडी है। इसलिए बोला जाता है बारिश इस टाइम पे होती नहीं है, तो काफी अच्छा मौसम रहता है घूमने के एंगल से भी। तो ये है, देख सकते हैं काफी सुंदर है ये एक्चुअली, और काफी लंबा है, घूम सकते हैं। मैं ऐसे आगे नहीं जा रहा हूँ इसमें, आगे जा भी सकता हूँ थोड़ा, चलो दिखा देता हूँ आपको मैं। तो आगे दिखा देता हूँ आपको, ये अपन जा रहे थोड़ा आगे इसमें। तो आगे ये थोड़ा पहाड़ है इसी टाइप के, ज्यादा आगे जाने से कुछ मिलेगा तो नहीं, बट चलिए कुछ लोग मेहनत कर रहे होंगे इसको देखने में, तो मैं दिखा देता हूँ कि आपको भी पता लगे कितना बढ़िया है ये। तो देख सकते हैं आप लोग पूरा का पूरा इधर, मतलब कॉम्बिनेशन है माउंटेन बीच और ग्रीन तो है ही, खैर गोवा ग्रीन तो है ही, कोई डाउट नहीं है। बढ़िया है यहाँ पे एक्चुअली, हर एंगल से देखो तो अच्छा है, और इतना ज्यादा यहाँ पे कॉस्टली भी नहीं है। आप चाहो तो चीप रेट में भी घूम सकते हैं यहाँ पे गोवा में, बढ़िया है। मुझे भी पहले मैं रहता था बाहर, जैसे यहाँ से आउटसाइड तो लगता था यार यहाँ टूरिस्ट क्यों आते हैं इतने, आके पता चला आना जरूरी है, बहुत शांति मिलती है यहाँ पे, लाइफ अच्छा है, काफी कूल है, लोग काफी कूल है। अब ये हैं आप जानते ही हैं, कुछ लोग हैं सुनते नहीं हैं, तो उनमें से हैं दो नमूने ये हमारे साथ में आए हुए हैं। इनको हमने समझाया कि ऊपर ना जाएं, फिर भी ये निकल लिए ऊपर, और हैं ऐसे हमारे भाई साहब, इनको कुछ हुआ तो हमको भी घर निकाला हो जाएगा, सारे लोग आजकल समझते कहाँ है कुछ। जाइए अपनी भावनाएं पूरा कीजिए आप,
तो ये है, मस्त माहौल है यहाँ पे, देख सकते काफी ब्यूटीफुल है। चलिए अभी मैं मजे लेता हूँ और रखता हूँ। आपके जैसे कुछ सजेशन हो गोवा के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते, पूछ भी सकते मेरे से। अपने तरफ से मैं कोशिश करूंगा आइडिया दूं, नहीं है तो जाकर पता करके बताऊंगा। बढ़िया है यार, मतलब ऐसे बहुत सारे एंगल से ना मेरे को ये सही लगा। जितने मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम मेट्रो सिटीज इंडिया में मैं वहां भी घूम चुका हूँ, बट गोवा मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद आया। एक तो थोड़ा यहाँ पे शांति है, मतलब पीस है थोड़ा, और बाकी शोर शराबे वाले एरियाज हैं, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं उधर बागा बीच, जहाँ पे फॉरेनर्स उधर बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम यहाँ व्यतीत करने के लिए और वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बाय बाय।